पूर्णिया कस्बा नगर पंचायत इन दिनों जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच अखाड़ा सा बन गया है। कस्बा नगर के अध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधियों जनप्रतिनिधि के मुताबिक अधिकारी आम सभा की बैठक में पास किए गए विकास के प्रस्तावों को नहीं मानते, लिहाजा विकास का काम कछुए की धीमी चाल चल रहा है। नगर पंचायत का यह दिक्कत है कि हम लोग जो बैठक लेते हैं, आम बैठक लेते हैं, उसमें जो हम लोग बैठक में जो पास करते हैं उसको करपालक मान नहीं करते हैं और मनमर्जी करते हैं कि हम जो करेंगे हम अपने मन से करेंगे। जनप्रतिनिधि का कोई जनप्रतिनिधि का कोई नियम पालन नहीं कर रहे हैं, ना मेरा लिए नियम पालन नहीं कर रहे थे कि मेरा नियम पालन करे। वो हमका वोट का प्रस्ताव हम दे सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं आपको, जैसे कुछ बताइए ना। जैसे हुआ कि हम भवन के बारे में लिए, चला मृत्यु रथ के बारे में लिए या कोई नली गली के बारे में लिए, वो चीज में अपना नहीं दिए थे। नियम का पालन का कोई नियम नहीं है, तो जॉब करते हैं हम अपना पालन करें, मांग करते हैं कि मेरा काम करे, नगर पंचायत का काम करे, नगर का काम करे, मेरा पार्षद चेयरमैन का बात करे। हमारे जो नगर पंचायत के कार्यपालक कार्यपालक महोदया, वह समझते हैं कि अध्यक्ष भी हम ही हैं, कार्यपालक भी हम ही हैं। वह अध्यक्ष के अनुमोदन पर कोई काम करना नहीं चाहते हैं। आम मीटिंग में जो भी प्रस्ताव लिया जाता है उसको भी वह लागू करना नहीं चाहती है। करीब 2 वर्षों से लगातार हर मीटिंग में निर्णय लिया जाता है कि नगर पंचायत का जो भवन है उसको अविलंब ठीक करा रहे, उसको भी वह नहीं करा रही है। उसके बाद कि नगर में सब चीज सुचारू रूप से चले और पारदर्शिता नजर आए, इसके लिए जो है सीसीटीवी फुटेज का सीसीटीवी का कैमरा हर जगह लगाना है विद वॉइस के साथ, ताकि ये पता चले कि नगर पंचायत में कौन स्टाफ सही समय पर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो यह चीज वह जो है उसका बराबर अवहेलना कर रही है। वह प्रस्ताव में कंटिन्यू लिया जाता है, उसको वह लागू नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं लगा रहे हैं। वह चाहती है कि अगर हम सीसीटीवी लगा देंगे तो मेरा भंडा फूट जाएगा, हम जो गलत सलत करते हैं उसको हम नहीं कर पाएंगे। शौचालय चलन शौचालय आया हुआ है करीब 70 से 80 लाख का है, उसमें बिना अध्यक्ष के अनुमोदन से सारा पेमेंट जो है कार्यपालक महोदया अपने आप कर दी, जिसमें से कि बहुत सारा जो है शौचालय अभी भी सही काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या किया नहीं किया, अभी शौचालय से पड़ा हुआ है और जितना भी प्रस्ताव लिया जाता है वो उसको काम नहीं करते हैं। नगर पंचायत सीता देवी ने कहा कि पूरे शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और अधिकारी मनमानी कर विकास के काम में बाधा डाल रहे हैं। हमारे जैसे अध्यक्ष जी बोले कि हम लोग जो मीटिंग करते हैं बोर्ड का, तो बोर्ड का मीटिंग में बहुत चीज में निकलिया गया है लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है धरातल पर, केवल कॉपी में ही लेकर के है अभी तक सीमित और धरातल पर काम अभी तक नहीं हुआ है। किन लोगों के कारण? हमारे जैसे कि कार्यपालक महोदया है और यही जो भी करना है तो कार्यपालक महोदया के ना करना है, उन्हीं के जरिए होगा, लेकिन उन्होंने अभी तक आज नहीं, आज बहुत दिन से हम लोग भवन के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं कि भवन बन जाए लेकिन अभी तक भवन का कोई भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि हमारा सब चीज करूर करके रखा हुआ है लेकिन काम आगे प्रोसेस में नहीं है। वहीं कस्बा नगर के कार्यपालक पदाधिकारी सुश्री मनीषा कुमारी ने कहा कि जनप्रतिनिधि के सहयोग बिना कोई काम संभव नहीं, लेकिन उनके द्वारा ना तो कोई सकारात्मक सहयोग मिलता है और ना ही विकास के कामों में रुचि देखी जाती है। इसका पुनर्निर्माण का है, हम लोग यहाँ से एस्टीमेट बना करके एक जनप्रतिनिधि की उन्होंने कहना है कि जनप्रतिनिधि और आपके बीच जो संवादहीनता है जिसके कारण विकास संभव नहीं है। तो संवादहीनता पर क्या बात है? हम तो ऑफिस आते हैं, चरण सर नहीं आ रहे हैं, चरण सर ऑफिस नहीं आते हैं, वो लोग तो बता रहे थे आज मीटिंग है, मीटिंग का विरोध कर रहे हैं। शिक्षक नियोजन के लिए किया गया है, लेटर आया हुआ है नगर पंचायत के द्वारा जो साफ सफाई की जाती है उसका जो वेस्टेज कचरा होता है उसको एनएच के सड़क के किनारे फेंका जाता है, इसके लिए स्थान चयन किया गया है, वहाँ क्यों नहीं किया? वहाँ पे अभी जाने का तो स्पेस सुविधा नहीं है, इस वजह से नहीं जाते, उसका रोड तो हम लोग कर रहे हैं तो रोड उसका बन जाता है। बहरहाल
जनता के चुने हुए नुमाइंदे से जनता उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन अधिकारियों के झगड़े में विकास के कामों की गति धीमी होती जा रही है। लिहाजा करोड़ों के फंड आने के बावजूद भी विकास के काम नहीं हो रहे। प्रतिनिधि और अधिकारी के बीच तालमेल की कमी साफ देखी जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।